करते करते एकदम थक गई थी और बहुत भूख भी लगा था, तो मैंने लंच कर लिया। और सैटरडे ना हम लोग वेज खाते हैं, इसीलिए बस सिंपल सा कुकिंग हुआ था, दाल और भिंडी का फ्राई और थोड़ा सा पापड़ का फ्राई, वो ही खाया है। आप लोगों ने देखा कि मैंने आज किचन वार्डरोब को पूरा खाली करके क्लीन किया, तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ था जो मुझे नहीं दिखा था, इसीलिए स्टोर होके रह गया था और बहुत कुछ ख़राब भी हो गया है। ये कुछ मेथी का पत्ता है सूखा हुआ जो हमने मार्केट से लाए थे, और ये पत्ता का स्मेल मुझे बहुत पसंद है इसीलिए स्टोर किया था, लेकिन बहुत दिन हो गया है इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर डाला था। और मैंने ना बहुत कुछ क्लीन किया है, बहुत कुछ वॉश किया है, लेकिन जब भी वीडियो बनाने के बारे में सोचती हूँ तो काम नहीं होता है, और काम करती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ, ऐसा ही होता है। ये देखिए मैंने बहुत सारे जार्स वॉश किए थे जिसको धूप में छोड़ दिया था एक्सेस वाटर को सूखने के लिए। पानी अभी तक है अंदर, उसमें तो कुछ स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, लेकिन नहीं हुआ। और ये डालिया है जिसमें चींटी आ गया था, ये देखिए लाल लाल चींटी है, इसीलिए इसको मैंने धूप दिखाया ताकि वो चींटी यहाँ से भाग जाए। और हमारा खाना को वेस्ट ना करें। और अभी बज रहे हैं 4, तो ऑलरेडी म्यूनिसिपलिटी का जो वाटर सप्लाई होता है वो आ गया है, और बहुत दिन हो गए हैं इस टाइम पे मैं बाहर नहीं आती हूँ, कभी आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करती हूँ और कभी सो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पौधे में पानी डाल दूँ। ये देखिए पानी आ गया है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मुझे पाइप को सेट करना पड़ेगा, पाइप को सेट कर लूँ पहले। ये है पाइप जिसको मैं सेट करूंगी और पौधे में पानी डालूंगी। ना धूप है अभी, तो पौधे में 2 टाइम के लिए पानी डालना ज़रूरी है, लेकिन नहीं हो पाता है, 1 टाइम के लिए अगर होता है तो 1 टाइम के लिए ही सही, लेकिन डालना पड़ेगा। पाइप को सीधा कर लेना पड़ेगा, नहीं तो पाइप वहाँ से खुल जाता है। पाइप हो गया, सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, यहाँ का पौधों का हालत बहुत ख़राब है पानी ना मिलने के वजह से। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेस्ट लेते हैं, पानी का उतना यूज़ नहीं होता है, इसीलिए पानी का बहुत ज़्यादा अच्छा फोर्स रहते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए अगर पानी दिया जाए ना तो पूरा एकदम गार्डन में पानी देना हो जाएगा। सिर्फ पौधों में पानी देने से काम नहीं चलेगा, पौधों को नहलाना भी पड़ता है, इस टाइम पे बहुत ही गर्मी है तो पत्ता कैसे ना मुरझा जाते हैं, तो पत्ता को अगर थोड़ा सा ऐसे पानी दिया जाता है तो वो एकदम खिल उठता है और हरा हरा लगता है। और ये जो पौधा देख रहे हो ना, ये है धुतुरा का पौधा जिसमें देखिए कितना सारा फ्लावर आए हैं, एक बार पहले फ्लावर आया था और उसके बाद ये और बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आ रहा था, तो मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था कि बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और अभी तो शिव जी का पूजा का टाइम है, जिस टाइम पर धुतुरा बहुत चाहिए होता है, तो अभी बहुत सारा फ्लावर आ गया है, देखिए ठाकुर जी के कृपा से इतना सारा। और ये जो फ्लावर है इसके बारे में एक स्पेशलिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये फ्लावर अभी देख रहे हो, देखिए येलो कलर का है ना, जैसे लग रहा है कि ये येलो कलर का ही फ्लावर आएगा, लेकिन ये फ्लावर जब पूरा मैच्योर हो जाता है ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है,
पिंक हो जाता है इसका कलर। एक मैच्योर फ्लावर है यहाँ पर, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। पानी पेड़ से मेरे माथे पे गिर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा पानी। पेड़ को भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी। ये देखिए, ये मैच्योर फ्लावर है जिसका कलर देखिए कैसा पिंक पिंक है। देखिए ऐसा हो जाता है वो येलो वाला फ्लावर, मैच्योर होके ऐसा पिंक हो जाता है। जब मैं पौधे में पानी दे रही थी तब थोड़ा थोड़ा पानी इधर आ रहा था, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी शायद ये दालिया में गिर गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गिर गया है। तो चलिए ये सब चीज़ों को मैं अंदर रख के आती हूँ, उसके बाद पौधे में अच्छे से पानी डालेंगे। बहुत धूप आते हैं यहाँ पर, तो धूप के वजह से इतना गर्म हो गया है फ्लोर कि आप लोगों को क्या बताएं। और तो कार तो यहाँ पर पूरा दिन खड़ा हुआ रहता है, तो बिल्कुल भी मुझे मौका नहीं मिलता है कि मैं इसको वॉश करूँ। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं पानी डाल रही हूँ ताकि पूरा वेदर पूरा एरिया ठंडा हो जाए। समर सीजन है, सबको पानी पिलाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो मैं तो पिला रही हूँ अपने गार्डन में पौधे को पानी। आप लोगों के गार्डन में भी अगर पौधे हैं तो ज़रूर पानी पिलाइए पौधे को। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर फिनिश करूँगी, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा दोस्तों, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आई डी है समाप्ति SAMAPTI7354। और अगर आप चाहो तो मेरे मेंबरशिप में भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल में ऑलरेडी ज्वाइन बटन अवेलेबल है। तो चलिए टाटा।